अच्छा, अब अभी तक हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, आगे भी हम अभी ऐड ऐड सब्ट्रैक्ट पढ़ा है, बाकी हमने सारी ये चीज़ें पढ़ी है कि क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, रजिस्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, लाइब्रेरीज हमारे पास कौन सी है, एरवाइन के प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से हैं, इस कोड को एक बेसिक सा कोड था उसको हमने बड़ा इन डिटेल देखा कि क्या क्या काम और होते हैं किस किस लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अभी तक समझ तो आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि ये तो सारी बेसिक चीजें हैं, मेरे ख्याल से तो समझ आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर ये समझ आ रही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा था कि ऐड किस तरीके से काम कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐड कराने के लिए हम एक रजिस्टर में वैल्यू स्टोर कराते हैं, फिर दूसरी उसमें ऐड करते हैं, सो ऑन। सबट्रैक्ट का हमने देखा, सबट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस में मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन है, इसमें जो चीज़ें लिखी है ना, ये सारी हम इन डिटेल जब पढ़ेंगे ना तो हमें खुद ही समझ आएंगी कि क्या काम किस तरीके से हो रहा है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बड़ा सिंपल सा था, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर ना हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लिख के काम नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा इन डेप्थ हमें देखना पड़ेगा कि काम हो किस तरीके से रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको, तो ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, फिर हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिखा है, इन 32-बिट मोड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन कैन बी परफॉर्म एज अ 32-बिट, 16-बिट और 8-बिट ऑपरेशन। ठीक है, इन 64-बिट मोड यू कैन ऑल्सो यूज 64-बिट ऑपरेंड द मल एंड आई मल। इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म अनसाइंड एंड साइंड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली। द डिव इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अनसाइंड इंटीजर डिवीजन एंड आई डिव परफॉर्म साइंड इंटीजर डिवीजन। अब ये साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर क्या है, ये बात आप लोगों को पता है? आप लोग मेरे ख्याल से 4th, 5th सेमेस्टर, 6th के हैं, तो आप लोगों को पता होगी कि साइंड इंटीजर्स क्या होते हैं और अनसाइंड क्या होते हैं। पता है आप लोगों को? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पता है, हमजा कह रहे हैं कि कह रही है, हसनैन कह रहे हैं कि पता है, और अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ भाई। साइंड इंटीजर्स वो होते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, जीरो, सब को आप काउंट कर रहे होते हैं, वो साइंड इंटीजर्स होते हैं, जिसमें नेगेटिव भी आ गई वैल्यूज, माइनस वाली, जीरोज भी आ गए, वन भी आ गया, टू भी आ गया, पॉजिटिव वैल्यूज भी आ गई। लेकिन अनसाइंड कौन से होते हैं कि जो सिर्फ जीरो वैल्यूज होती हैं या फिर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। अनसाइंड के अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं दे सकते, तो अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव और जीरो वैल्यूज, ठीक है, और साइंड होती हैं ठीक है, साइन होती हैं हमारे पास जो कि जिसमें तीनों आ जाती हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो सब आ जाती हैं, तो वो साइंड होती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जब हम 64-बिट के ऊपर भी काम करेंगे, 8, 16, 32 के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई के अंदर मल का ऑपरेशन है और आई मल का है, और इसी तरीके से डिवीजन में डिव का है और आई डिव का है। तो यहाँ लिखा है कि भाई जब हमारे पास डिव का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहा होता है अनसाइंड के ऊपर इंटीजर्स पे काम, और आई डिव जो है वो साइंड के ऊपर कर रहा होता है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज जो होंगी वो हम आई डिव के साथ कर रहे हैं। और वैसे ही मल के अंदर है कि हम मल जो है वो अनसाइंड के लिए कर रहे हैं और आई मल जो है वो साइंड के लिए यूज कर रहे होंगे। तो ये हम आगे जाके इन डेप्थ देखेंगे कि हम किस तरीके से हो रहा होता है। तो मल इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, मतलब मल्टीप्लाई इन 32-बिट मोड, द मल अनसाइंड मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन कम्स इन 3 वर्जन, ठीक है, ये 3 वर्जन के अंदर आता है। द फर्स्ट वर्जन मल्टीप्लाईज द 8-बिट ऑपरेंड बाय द एएलयू रजिस्टर, ठीक है, द सेकेंड वर्जन मल्टीप्लाई 16-बिट ऑपरेंड
by the EX register and the third version multiplies 32-bit operand by EAX register. The multiplier and multiplicand must always be the same size and the product is there twice their size. ठीक है, तो the three formats accept register and memory operand but not limited. अच्छा ये चीज जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट. ये देखें, अच्छा हम जो भी मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे ना, वहाँ पे हमारे पास एक होगा मल्टीप्लीकेंड, जो कि जैसे थ्री यहाँ पे लिखा है तो ये मल्टीप्लीकेंड है, और टू हमारे पास मल्टीप्लायर है. ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. अब हमारे पास आप लोगों को याद होगा कि ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स, ये सारे थे 32-bit रजिस्टर, और ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, ये थे 16-bit. इसी तरीके से ए एल, बी एल, सी एल, डी एल और ए एच, बी एच, सी एच, डी एच, ये 8-bit रजिस्टर्स थे, 8 हमारे पास. तो जब हम जितने बिट का हमारे पास मल्टीप्लीकेंड होगा उतने ही बिट का मल्टीप्लायर होना चाहिए, इन दोनों का साइज सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो जब ये चीज हमें एक चीज याद रखनी है. फिर हमारे पास अगर ए एल यूज हो रहा है यानी कि 8-bit रजिस्टर यूजर है, तो हमारे पास उसके लिए मल्टीप्लायर भी वही बी एल, सी एल या डी एल में से हो सकता है. अगर हमारे पास ए एक्स यूज हो रहा है यानी 16-bit का रजिस्टर, तो उसके लिए मल्टीप्लायर भी हमारे पास बी एक्स, सी एक्स या डी एक्स ही होना चाहिए. तो ये चीज हमारे पास है कि मल्टीप्लीकेंड एक होता है, एक मल्टीप्लायर होता है, दोनों का साइज सेम होना चाहिए. ठीक है, अब अगर ए एल हम मल्टीप्लीकेंड के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मल्टीप्लायर बी एल, सी एल, डी एल ही होने चाहिए, और ए एक्स हमारे पास यानी कि 16-bit यूज कर रहे हैं तो 16-bit वाले ही मल्टीप्लायर होने चाहिए, मतलब कि बी एक्स, डी एक्स, डी एक्स. ठीक है, अगर हम इसको एज अ कोड में देखें तो कोड में हमारे पास है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई मूव कर दें ए एल के अंदर, यानी ए एल के अंदर 3 और बी एल के अंदर 2. ठीक है, इन दोनों को आपने ए एल और बी एल के अंदर मूव करा दिया. अब आप क्या करेंगे ये देखें, उसके बाद आपने मल बी एल, मतलब मल मल्टीप्लाई का जो मल है वो आप बी एल को परफॉर्म करेंगे तो वो ए एल के साथ उसको मल्टीप्लाई करा देगा. ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, ये इस साइड पे आप देखें लेफ्ट राइट कॉर्नर पे कि ये ए एल के अंदर 3 है, बी एल के अंदर 2 है, और जब इस जब आप मल बी एल लिखेंगे ना तो वो क्या करेगा, जो पिछला रजिस्टर ए एल है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करा देगा और स्टोर किस में कर देगा, ए एक्स के अंदर. अब ये इसने ए एक्स के अंदर स्टोर क्यों किया, ए एक्स तो हमारे पास 16-bit रजिस्टर होता है, तो उसकी ये लॉजिक है कि हमारे पास एक 8-bit रजिस्टर था, वो मल्टीप्लाई हुआ दूसरे 8-bit रजिस्टर के साथ, तो जब उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई आपस में हुई तो 8 और 8 16 हो गया. तो जब दो 8-bit रजिस्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट, ये जाहिर सी बात है, ओवरफ्लो हो जाएगा, आप नेक्स्ट एक और 8-bit के अंदर उसको स्टोर नहीं करा सकते. जब वो मल्टीप्लाई हो गया तो उनका जो प्रोडक्ट आएगी वो एक 16-bit रजिस्टर यानी कि AX के अंदर आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली AX के अंदर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है. सर ये मल्टीक्लैंड और ये मल्टीप्लायर जो होता है इनके रजिस्टर की बिट दोनों सेम होनी चाहिए. तो सर एग्जांपल ये है कि अगर मेरा नंबर 300 है और मल्टीप्लाई मैं 2 से करा रहा हूँ तो 2 की भी मैं 32-bit रजिस्टर लूंगा और 300 का भी 32-bit रजिस्टर लूंगा. बिल्कुल ऐसे ही है. तो सर ये 2 के लिए तो डाउनफॉल नहीं होगा कि वो 2 मेमोरी वेस्टेज के अंदर जा रहा है जो रजिस्टर नहीं, आप 32-bit कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम ए एल और बी एल ले रहे हैं. ए एल और बी एल सबसे छोटे रजिस्टर हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखे थे, हम यहाँ 32-bit थोड़ी ले रहे हैं. ये देखिए सर यहाँ पे नहीं ले रहे ना, अगर मेरा नंबर ऐसा कुछ होता है, एक बिग नंबर है एक छोटा नंबर है, हाँ, दोनों के लिए मुझे दो बड़ी रजिस्टर चाहिए हो गया. हाँ ये बात है कि ये इसका रूल है कि आपको अगर एक भी छोटा मल्टीप्लीकेंड है और दूसरा जो मल्टीप्लायर है वो बड़ा है, तो आपको साइज जो है ना वो बड़े वाले का ही लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे तो मेमोरी वेस्टेज जाहिर होगी.
सही है सर। ठीक है, बस ये आपने दिमाग में रखना है कि आपने इन दोनों को साइज सेम रजिस्टर लेना है, ठीक है, सेम साइज के रजिस्टर लेना है। ये आपका बिल्कुल सही लॉजिकल सवाल था, ठीक है। ये वैसे ये सवाल बाकी स्टूडेंट्स के भी दिमागों में आना चाहिए था। सही, अच्छा ये चीज़, अच्छा मतलब इसका मतलब कि आप लोगों को जो हम कहानी कर रहे हैं ना सारी, ये कहानी समझ आ रही है, तभी ये सवाल आपके दिमाग में आया, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हो गई कि हमने जब AL और BL 8-8 बिट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 16 बिट वाले रजिस्टर में हमने इसको स्टोर करा दिया, ठीक है, मल्क ऑपरेशन। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि AX को हमने DX के अंदर स्टोर कराया, फिर हमारे पास ये जो भी डेसिमल के अंदर होगा वैल्यू, उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमें ASCII के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, ASCII जो कोड होता है, ठीक है। ASCII आप लोगों को पता होगा ASCII क्या होता है, तो ASCII के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए एक हमारे पास ऑपरेशन है ऐड, जो भी हमारे पास DX के अंदर हमने सपोज उसको स्टोर कराया है, ठीक है, तो DX के अंदर ऐड क्या करेंगे 48, तो उससे ये ASCII के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ASCII कोड के अंदर जो भी हमारी वैल्यू चाहिए प्रिंट कराने के लिए हमें, जाहिर है उसको ASCII में कन्वर्ट करना पड़ता है मैनुअली। तो हम ऐड DX 48 करेंगे तो हमारे पास ASCII में कन्वर्ट हो गया। फिर मूव AH2, ये हमारे पास एक फंक्शन है कि AH जो रजिस्टर है उसमें 2 मूव करेंगे तो ये जो ये वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगी। ये आप दो जब इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे ना, मूव AH2 और INT32H, ये आप INT22H बताएंगे कि इंटीजर 22H के अंदर इसको शो करो और यहाँ पे प्रिंट करो AH को विद वैल्यू 2, तो ये आपकी जो ASCII कोड के अंदर कन्वर्ट हुआ होगा इसको प्रिंट करा देगा। तो ये अभी तो आप इनको, हम आगे जाके डिटेल भी देख लेंगे ये किस तरह काम करते हैं, अभी आप इनको याद रख लेंगे, आपने ये परफॉर्म जरूर करना है। अच्छा यहाँ तक हमने चीज़ देख ली, अभी मेरे ख्याल से 10:05 हो रहे हैं, तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं 20 मिनट का, उसके बाद हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के और ऑपरेशन हैं, डिवीजन के ऑपरेशन हैं, उनको हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम एक 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 10:25 पे हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेंगे, सही है। तो अभी आप लोग आराम से फ्रेश फ्रेश हो जाएं और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उनको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। लैब मैनुअल अभी अपलोड हो जाएगा आपका। जब तक आप ब्रेक ले रहे हैं उसके बाद अगर ये मीटिंग डिस्कनेक्ट भी हो तो आप इसको दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।
अच्छा, आप लोगों की जो है ना ये मीटिंग के अंदर 1 मिनट रह गया, तो इधर ये एंड हो जाए, फिर हम दोबारा से रिज्वाइन करके फिर कंटिन्यू करते हैं।